हरियाणा गूंगे व बहरे सोसाइटी द्वारा आज अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। गूंगे व बहरे उम्मीदवारों का आरोप है कि हरियाणा सरकार द्वारा पिछले दिन ग्रुप डी की भर्तियों में गूंगे व बहरे उम्मीदवारों के 132 पदों पर फर्जी लोगों को भर्ती किया गया और सही जरूरतमंद गूंगे व बहरे उम्मीदवारों को अनदेखा किया गया। गूंगे व बहरे सोसाइटी हरियाणा का नेतृत्व कर रही महिला सुदेश ने कहा कि ग्रुप डी की भर्तियों में 132 पोस्टें निकली थी, लेकिन सिर्फ दो लोगों को छोड़ 130 लोगों को भर्ती नहीं किया गया। सुदेश रानी मैं बोल रही हूँ, बेल की हेल्प कर लो चाहती हूँ। भूख बंदिर है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, ये काफी परेशान हो रहे हैं। ये कहते हैं हमारा पहले कोटे में नाम दर्ज हुआ था, पर लेकिन हमारे को किसी ने रखा नहीं है। हमारा यानी कि कोई जॉब का कर है ही नहीं, बिल्कुल कोई नाम ही नहीं आया है। जिनमें से कोटे में यानी जो बोल सकते हैं सुन सकते हैं उनको रखा गया है, हमारे को बिल्कुल नहीं रखा गया। हम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा उदास हो रहे हैं कि हमारे को सरकार हमारी बात कोई सुन नहीं रही है। सरकार को सुननी चाहिए, हम भूख बंदी रहे, बोल नहीं सकते। कोई हमें प्राइवेट या कोई सरकारी जॉब तो मिल गए, प्राइवेट कोई रखता नहीं है बिल्कुल भी। वो पहले ही कह देते हैं चलो आप बाहर चलो, अभी रखते ही नहीं है कोई भी प्राइवेट। गूंगे व बहरे लोगों का कहना है कि फर्जी व गूंगे बहरे लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर सही लोगों को भर्ती किया जाए। हरियाणा गूंगे व बहरे सोसाइटी द्वारा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का घेराव भी किया है। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।